हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में ब्यूटीफुल सी ड्रेपिंग स्टाइल्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। एक ही साड़ी के साथ आप अलग अलग लुक यहाँ पर देख सकते हैं। आपको इनमें से कौन सा लुक ज़्यादा पसंद आया वो मुझे ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर इस तरीके की एक साड़ी मैंने ली है जो कि हेवी सिल्क साड़ी है। आपके पास जो भी साड़ी है उसके साथ में आप ये ट्राई कर सकते हैं। मैं सजेस्ट करूँगी कि सिल्क साड़ी, बनारसी साड़ी के साथ ये ट्राई करके देखिएगा, बहुत खूबसूरत आपके ये लगने वाला है। ये है इस साड़ी का पल्लू का पोर्शन और बीच में जो साड़ी दी हुई है वो भी यहाँ पर बहुत खूबसूरत है। तो यहाँ पर हम चलेंगे हमारी फर्स्ट स्टाइल की तरफ। तो फर्स्ट स्टाइल यहाँ पर बनाते वक्त जो बेसिक ड्रिपिंग हम करते हैं, यानी कि फर्स्ट राउंड जब भी हम लेते हैं उसी तरीके से हमें यहाँ पर फर्स्ट राउंड हमारा बना लेना है, बेसिक राउंड। और यहाँ पर पल्लू का जो पोर्शन है उसको हमें यहाँ पर कुछ इस तरीके से लेना है अभी। और लेकर आने के बाद प्लीट्स को हम यहाँ पर अरेंज कर लेंगे। तो प्लीट्स यहाँ पर हमें मीडियम लेंथ के बनाने हैं, ना ही ज़्यादा बड़े साइज़ में बनाने हैं, ना ही ज़्यादा एकदम से छोटी साइज़ में बनाने हैं। इसमें बॉर्डर का पोर्शन बहुत ही अच्छी तरीके से हमारा दिखाई देना चाहिए। इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर पल्लू का जो पोर्शन है उसको अच्छे से सेट कर लेंगे। अब यहाँ पर सेफ्टी पिंस का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा या फिर आप चाहे तो क्लिप्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि बाद में निकालना पड़ेगा और अच्छे से हमारा सिर्फ पल्लू का पोर्शन सेट हो जाए इसलिए हम ये लगा रहे हैं। और अच्छी तरीके से हमारी ड्रेपिंग आएगी अगर हम सेफ्टी पिंस का इस्तेमाल करते हैं तो, क्योंकि थोड़ा बहुत हमें सेफ्टी पिंस यूज़ करना ही पड़ेगा अच्छी तरीके से हमारी नीट एंड क्लीन अगर ड्रेप हमें लगता है कि हमारा जो लुक है वो ब्यूटीफुल लगे तो। और इसी तरीके से हम क्या करेंगे, अभी पल्लू का जो पोर्शन है वो पूरा यहाँ पर बना लेंगे। और थोड़ी बड़ी साइज़ में हमें पल्लू का पोर्शन यहाँ पर चाहिए, आप इस तरीके से पल्लू का जो पोर्शन है वो बना सकते हैं आसानी से। और एक परफेक्ट पल्लू हमें यहाँ पर नीट एंड क्लीन यहाँ पर सेट करके रखना है कुछ इस तरीके से। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर सेकेंड राउंड नहीं लेना है। इस तरीके से पल्लू का पोर्शन रखेंगे, लेफ्ट साइड से सामने की तरफ डालेंगे, घुटने से नीचे तक ज़रूर रखना है लेंथ में। और यहाँ पर देखिएगा सामने की तरफ जो भी पोर्शन आएगा इसको हमें अच्छे से अभी सेट ज़रूर कर लेना है। तो नीचे की तरफ हम इसको अच्छे से सेट करते हुए जाएंगे, पीछे से जो भी पोर्शन है, जो भी प्लीट्स बनाई है वहाँ पर हमें पिन लगा लेंगे ताकि पीछे का जो बॉर्डर वगैरह है वो भी अच्छी तरीके से हमारा दिखाई दे। बेली बटन के पास इस तरीके से फैब्रिक लेकर जाएंगे और यहाँ पर हम सेंटर जो प्लीट्स हैं उसको अरेंज करते हुए जाएंगे। ये जो ड्रेपिंग स्टाइल है बहुत ही खूबसूरत लगती है, क्योंकि एक ही तरीके की ड्रेपिंग स्टाइल करके भी हम बोर हो जाते हैं। साड़ी से ही आप अलग लुक, यूनिक लुक आप ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 4 स्टाइल्स बताए हैं, इन में चारों में से आप अलग अलग ट्राई करके देखिएगा, बहुत खूबसूरत आप लगेगी और अलग तरीके का एक यूनिक वेयरिंग हमारी हो जाएगी जो बहुत अच्छी लगती है और हमारी बहुत ही खूबसूरत तरीके से आप पर ये जचने भी वाली है। यहाँ पर नीचे की तरफ अभी जो पल्लू जो प्लीट्स हमने अरेंज किए हैं उसको भी हमें सेट करना है इस तरीके से। अगर यहाँ पर हम कुछ क्लिप्स का इस्तेमाल करेंगे तो और भी अच्छा होगा, ताकि ये अच्छी तरीके से हमारी प्लीट्स वगैरह अरेंज हो जाती है, क्योंकि ईजी हो जाएगा। और यहाँ पर क्लिप्स लगाते हैं तो अच्छी तरीके से साड़ी पर कोई डैमेज होने का डर भी हमें नहीं रहता है और अच्छी तरीके से हमारे प्लीट्स वगैरह अरेंज हो जाती हैं। अब सेंटर प्लीट्स हम इसको अच्छी तरीके से टक इन कर लेंगे। लेफ्ट साइड की तरफ आप देख सकते हैं एक पोर्शन जो है यहाँ पर रिंकल्स बन जाते हैं जो बहुत खूबसूरत दिखाई देते हैं। रिंकल्स को भी अच्छी तरीके से सेट करना है। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पोर्शन है हमारे पल्लू का वो लेफ्ट साइड की तरफ ऊपर जाता है। अब यहाँ पर जो भी हमारा पल्लू का पोर्शन है वो यहाँ पर हमने जो सेफ्टी पिंस लगाए थे तो उसको थोड़ा सा निकाल लेंगे अभी। तो निकालने के बाद आप देखोगे कि हमारा पल्लू बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर इवन बन जाता है, फ्लफीनेस इसकी कम हो जाती है। ये वाला जो पोर्शन है अभी कॉर्नर है, इसको हमें इस तरीके से खींचना है पूरा और पीछे से सामने की तरफ लेकर आएंगे। यहाँ पर मैं एक सेफ्टी पिन लेना चाहूँगी और यहाँ पर सेंटर प्लीट्स जो हमने बनाए हैं उसके नीचे इसको इस तरीके से हमें सेट कर लेना है। तो देखिएगा यहाँ पर टमी का पोर्शन जो है बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता, एकदम से हाइड हो जाता है। और नीचे की तरफ भी हमें इसको अच्छे से सेट कर लेना है, देखिएगा कुछ इस तरीके से। तो एकदम से परफेक्टली लुक हमारा यहाँ पर बनता है। और जो सेंटर प्लीट्स वगैरह है उसको भी हम एक पिन से सेट कर लेंगे, यहाँ पर सेफ्टी पिन ज़रूर लगा लेंगे ऊपर की तरफ। तो जो राइट साइड की तरफ से लेफ्ट साइड की तरफ हमारे ऊपर की तरफ जो प्लीट्स जा रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि बहुत खूबसूरत लुक हमारा लेफ्ट साइड से लगता है। राइट साइड की तरफ जो हमारा पल्लू का पोर्शन है ये वाला ये आता है, जिसके चलते ये और भी खूबसूरत दिखाई देता है। ये ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, बहुत खूबसूरत आप पे लगेगा। इसको इन्फिनिटी ड्रेप भी कहा जाता है। और एक वेस्ट बेल्ट लगाने के बाद फाइनल जो लुक है वो आप देख सकते हैं,
पीछे से भी कुछ इस तरीके से आया है और बहुत ही अच्छी तरीके से कंफर्टेबल आपको लगेगा। कहीं से भी हमारे बॉडी का पोर्शन भी नहीं दिखाई देता है और एकदम से कंफर्टेबल आपको इस ड्रिपिंग में लगता है। सेकंड स्टाइल में हमें क्या करना है, पल्लू का पोर्शन ही सिर्फ यहाँ पर निकाला है जो कि हमने लेफ़्ट साइड से सामने की तरफ डाला था, इसको लेफ़्ट साइड से ही हमें डालना है लेकिन सामने से पीछे की तरफ डालना है, जिस तरीके से हम बंगाली ड्रिपिंग में पल्लू का पोर्शन डालते हैं उस तरीके से। अब यहाँ पर डालने के बाद जो सेंटर प्लीट्स हमने बनाए थे फर्स्ट वाले पोर्शन में, फर्स्ट वाली स्टाइल में, तो वो मैंने वैसे ही रहने दिए हैं, उसको नहीं निकाला है। आपको अगर ये ड्रिपिंग करनी है तो आप पूरा सेंटर प्लीट्स वगैरह उस इसी तरीके से बना सकते हैं, सिर्फ पल्लू का पोर्शन यहाँ पर हमने अलग तरीके का बनाया है जिसके चलते ये बहुत खूबसूरत लगेगा और एक अलग तरीके का लुक हमारा यहाँ पर बन जाता है। जो सेंटर प्लीट्स हमने बनाए हैं तो अभी यहाँ पर मैं एक सेफ्टी पिन यहाँ पर लगाना चाहूँगी, देखिएगा, जिसके चलते ये सिक्योर रहेंगे। यहाँ पर हमारे रिंकल्स बन जाते हैं जो बहुत खूबसूरत यहाँ पर दिखाई देते हैं। ये वाला जो पोर्शन है अभी पीछे की तरफ पल्लू का पोर्शन हमने डाला था, तो ये कुछ इस तरीके से हमें लेना है और ये कॉर्नर हमें ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे और हमारा जो लेफ़्ट वाला शोल्डर है उसके ऊपर हमें यहाँ पर एक सेफ्टी पिन लगाकर इसको अच्छे से सेट कर लेना है। यहाँ पर हमारी वी प्लीट्स बन जाती हैं और एक खूबसूरत तरीके से हमारा लुक जो है वो दिखाई देता है। पल्लू का पोर्शन एक तरफ आता है, एक तरफ हमारी साड़ी की बॉर्डर सीधी चली जाती है जो बहुत खूबसूरत दिखाई देती है और बहुत ही अच्छी लगती है। एक तरफ नीचे से रिंकल्स आ जाते हैं और वेस्ट बेल्ट लगाने के बाद ये जो ड्रिपिंग है ये बहुत खूबसूरत लगती है। सो देखिएगा, ये था सेकंड स्टाइल और कितनी इजी है, 2 मिनट में हमारा ये ड्रिपिंग स्टाइल जो है ये कंप्लीट हो चुका है। सो अब हम चलेंगे हमारी थर्ड स्टाइल की तरफ। तो यहाँ पर हमें कोई भी स्कर्ट ज़रूर वेयर कर लेनी है ताकि इसमें थोड़ा सा फ्लपीनेस आए। अगर आप ज़्यादा फ्लपीनेस चाहते हैं तो आप कनकन स्कर्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये हमें ऑनलाइन मिल जाती है। मैंने यहाँ पर कनकन स्कर्ट का इस्तेमाल नहीं किया है, सिर्फ स्कर्ट वेयर की हुई है। आप चाहे तो डबल पेटीकोट का भी यूज़ कर सकते हैं जिसमें से थोड़ा सा फ्लपीनेस इसमें आए। अभी हम चलेंगे हमारी पल्लू के पोर्शन की तरफ। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले तो पल्लू की जो प्लीट्स हैं उसको अरेंज कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने कुछ इस तरीके से अरेंज कर लिया है, सेफ्टी पिन्स लगा लेंगे और थोड़ा पल्लू का जो पोर्शन है उसको हम अच्छी तरीके से यहाँ पर सेट करके रखेंगे। एकदम बड़ी साइज़ में, लंबाई में हमें नहीं चाहिए पल्लू, लेकिन थोड़ा सा हम इसको अच्छे से सेट करके रखेंगे ताकि बाद में पूरा पोर्शन बन जाने के बाद पल्लू के प्लीट्स हमें बनाने का ना पड़े, थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, इसलिए पहले ही हम इसको इस तरीके से बना कर रखेंगे। तो इतनी साइज़ में मैंने पल्लू का पोर्शन बना लिया है। अभी अब देखिएगा, लास्ट वाला कॉर्नर लेना है, यहाँ पर हील्स वेयर कर लेनी है और इसको राइट साइड से कुछ इस तरीके से हमें टक इन कर लेना है। आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से टक इन कर लेंगे, फ्लोर को टच करते हुए ज़रूर इसको रखना है हमें इस तरीके से। राइट साइड से लास्ट वाला कॉर्नर टक करेंगे, यहाँ पर सब इस तरीके से बड़ी साइज़ में बॉक्स टाइप प्लेट्स हमें अरेंज कर लेने हैं। और ये वाले जो प्लेट्स है, ये 2-3 प्लेट्स, हमारे 5-6 प्लेट्स बन जाएगी तो पूरी कमर का पोर्शन हमारा कवर हो जाता है और बहुत 2-3 मिनट्स में ही हमारी ये ड्रेपिंग जो है ये कंप्लीट हो जाती है और बहुत खूबसूरत ये ड्रेपिंग भी लगती है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और स्पेशल कोई ओकेजन्स वगैरह होगा तो उसके लिए ज़रूर आप ट्राई करके देख सकते हैं। सो देखिएगा, कुछ इस तरीके से अभी हम ये प्लीट्स अरेंज कर लेंगे ऊपर की तरफ, चारों तरफ से आप 2-3 सेफ्टी पिन अगर लगाते हैं जहाँ पर हमने प्लीट्स टक किए हैं, तो 2 प्लीट के बीच में एक सेफ्टी पिन भी अगर हम लगाते हैं तो भी हमारा जो पोर्शन है वो अच्छी तरीके से यहाँ पर सेट हो जाता है और निकलने का डर नहीं रहेगा। सो सेफ्टी पिन का भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं। इसी तरीके से हम टक इन करते जाएंगे, पीछे की तरफ भी हम इसको टक इन कर लेंगे। तो 2 प्लीट्स हम पीछे की तरफ बनाएंगे, 3 प्लीट्स हम सामने की तरफ बनाएंगे, हमारी जो पोर्शन है वो यहाँ पर कंप्लीट बन जाएगी। ये वाला पल्लू का पोर्शन जो है इसको अब हम इस तरीके से पीछे की तरफ डाल देंगे और एक सेफ्टी पिन लगा लेंगे। पीछे की तरफ पल्लू हमें ज़्यादा नहीं छोड़ना है क्योंकि यहाँ पर हमारा जो यहाँ पर ये प्लीट्स सेट करते वक्त फैब्रिक बहुत ज़्यादा लगती है। ये वाला जो पोर्शन है अभी जितना भी बचा हुआ फैब्रिक है, सो एक प्लीट मैंने फिर से बना ली और ये वाला जो अभी पोर्शन है तो यहाँ पर एक इस तरीके से सेफ्टी पिन लेंगे और एक सेफ्टी पिन लगा लेंगे ताकि देखिएगा ये वाला पोर्शन कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। अब देखिएगा, लेफ्ट साइड से इसको अंदर की तरफ खींचना है, अंदर की जो फैब्रिक है, और ऊपर से यहाँ पर पीछे की तरफ खींचना है और टक इन कर दिया है। सो बहुत ही ईजी है और यहाँ पर रिंकल्स बन जाते हैं हमारे, जिसके चलते ये ड्रिपिंग बहुत खूबसूरत लगती है और यूनिक भी लगती है। ऐसा नहीं लगेगा कि हमने साड़ी के साथ में ये ट्राई किया हुआ है। आपके पास अगर कोई
वर्क वगैरह की साड़ी है तो उसके साथ में भी ये बहुत खूबसूरत लगता है। इस तरीके की साड़ी के साथ में तो बहुत अच्छा तो जचता ही है, लेकिन वर्क वगैरह की साड़ीज़ हैं सो जिसके चलते गल्लू का पोर्शन अलग आएगा, बॉर्डर की पोर्शन अलग आएगी और भी खूबसूरत लगेगा। तो आपको जिस तरीके के जिस साड़ी के साथ में ये पसंद आए उस तरीके से आप बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक वेस्ट बेल्ट लगा लिया है जिसके चलते ये ड्रेपिंग हमारी कम्प्लीट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरत तरीके से अरेंज हो जाता है, बिल्कुल भी अनकम्फर्टेबल आपको नहीं लगेगा। एक इवन लुक के साथ में और खूबसूरत तरीके से हमारी ड्रेपिंग कम्प्लीट हो चुकी है। अब हम चलेंगे फोर्थ स्टाइल की तरफ जो कि है हमारा साउथ इंडियन ड्रेपिंग स्टाइल, जो कि हम नॉर्मल साड़ी वेयर करेंगे लेकिन परफेक्टली वेयर करेंगे और बहुत ही खूबसूरत तरीके से ये दिखाई देगा। तो यहाँ पर बेसिक राउंड हम पहले बना लेंगे, सेकेंड राउंड लेने के बाद यहाँ पर हम पल्लू का पोर्शन बना रहे हैं। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, अभी पल्लू का पोर्शन बनाना स्टार्ट करेंगे। कॉर्नर का जो फर्स्ट वाला कॉर्नर है उसको मैंने टक इन कर दिया है और यहाँ पर हम प्लीट्स को अरेंज कर रहे हैं। नॉर्मल जो ड्रेपिंग हम करते हैं सिंपल साड़ी तो उसी तरीके की ड्रेपिंग है, लेकिन यहाँ पर एक परफेक्ट लुक हमारा किस तरीके से आएगा जिसके चलते आपकी जो ड्रेपिंग है वो नीट एंड क्लीन यहाँ पर बनेगी। तो इसी तरीके से हमें पल्लू का पोर्शन बनाना है, मैंने पहले भी आपको दिखाया है। सो इसी तरीके से हम पूरा पल्लू का पोर्शन यहाँ पर पहले तो सेट करके रखेंगे। अगर आपको कहीं बाहर जाकर यानी कि किसी फंक्शन के लिए, शादी के लिए वेयर करनी है इस तरीके की साड़ी, तो आप पहले ही पल्लू का पोर्शन घर पर ही बनाकर रख सकते हैं तो, ताकि ये अच्छे से हमारा सेट हो जाता है। इस तरीके से घुटने से नीचे तक ज़रूर इसको रखेंगे और एक सेफ्टी पिन हम यहाँ पर लगा लेंगे। दो सेफ्टी पिन लगाएंगे, एक पीछे की तरफ और एक नीचे, हम ब्लाउज़ के साथ में इसको अटैच करते हुए रखने वाले हैं। तो यहाँ पर भी मैं एक सेफ्टी पिन लगाना चाहूँगी, सो देखिएगा ताकि एक तरफ भागे नहीं। अब सामने के जो हमारे प्लीट्स वगैरह है उसको भी हमें थोड़ा सा अच्छे से सेट करना है। ये वाला जो बॉर्डर है इसको पीछे से हमें सामने की तरफ लेकर आना है, लेफ्ट साइड की तरफ। और ये वाली जो बॉर्डर वगैरह है, ये वाली जो प्लीट्स है, इसको अगर हम अच्छे से सेट करेंगे तो यहाँ पर एक इवन लुक आएगा। सारे हमारे जो प्लीट्स वगैरह है वो भी इवनली यहाँ पर दिखाई देंगे। ये वाला जो फैब्रिक है तो इसको इस तरीके से खींचना है, और ये वाली जो पोर्शन है अभी पीछे की तरफ से, तो ये भी इस तरीके से खींचते हुए सामने की तरफ लेकर आएंगे। और खींचने के बाद यहाँ पर हमें लेफ्ट साइड के राइट साइड की तरफ पैर पर यहाँ पर इसको सेट करते हुए रखना है, यानी कि एक सेफ्टी पिन लगाकर सेट कर लेना है ताकि एक फिटिंग के साथ में हमारी ड्रेपिंग यहाँ पर आती है। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आपको उठने बैठने में थोड़ा सा दिक्कत होगा, ऐसा नहीं है, और पिन भी नहीं निकलती है। अब बेली बटन तक फैब्रिक छोड़ देंगे और इसके बाद में हमें प्लीट्स को अरेंज कर लेना है। तो थोड़ी बड़ी साइज़ में प्लीट्स अरेंज करेंगे या फिर मीडियम साइज़ में, एकदम छोटी साइज़ में बिल्कुल भी नहीं करना है। पीछे की तरफ थोड़ा सा एक प्लीट का फैब्रिक ज़रूर छोड़ देंगे। बाकी के जो प्लीट्स हमने बनाई है उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट वाला जो प्लीट है थोड़ा बड़ा करना है हमें, और बाकी की जो प्लीट्स है सो इसमें कवर हो जाएंगी और वन बाय वन ये सेट होनी चाहिए। कुछ इस तरीके से हमें इसको अरेंज कर लेना है, ना कि इकट्ठा हम इसको टक करेंगे। सो इस तरीके से आएंगी और पीछे की तरफ हम एक सेफ्टी पिन ज़रूर लगा लेंगे। ये वाले प्लीट्स भी हमें अच्छी तरीके से यहाँ पर सेट कर लेने हैं। अंदर की तरफ जो फैब्रिक है आप देख सकते हैं, सो अच्छे से हमें सारी प्लीट्स को सेट कर लेना है। यहाँ पर जो क्लिप्स वगैरह है उसका हम इस्तेमाल करेंगे जिसके चलते हमारी जो प्लीट्स है, सेंटर प्लीट्स है, वो अच्छी तरीके से यहाँ पर सेट हो जाए। देखिएगा बहुत ही खूबसूरत तरीके से और बहुत ही अच्छी तरीके से हमारा जो लुक है ये यहाँ पर बन जाता है अगर हम इस तरीके से इसको सेट करते हैं तो, क्योंकि फ्लफीनेस बिल्कुल नहीं रहेगी, अनइवन लुक नहीं रहेगा और एक परफेक्टली ड्रेप हमारा यहाँ पर बन जाता है। इसको हम अच्छी तरीके से टक इन कर लेंगे। ये वाला पोर्शन वगैरह भी अच्छे से टक कर लेना है। जो भी सेंटर प्लीट्स हमने अरेंज किए हैं, अब ये वाले जो प्लीट्स हैं जो लेफ्ट साइड की तरफ है इसको थोड़ा सा हम कुछ इस तरीके से प्लीट्स अरेंज करेंगे। पीछे की जो फैब्रिक है इसको हमें कुछ इस तरीके से अच्छे से लेकर यहाँ पर आना है और अच्छे से यहाँ पर सेट करना है ताकि पीछे से भी हमारा अनइवन लुक नहीं रहना चाहिए। सेंटर प्लीट्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वन बाय वन दिखाई दे रही है, तो यहाँ पर बिल्कुल भी फ्लपीनेस नहीं है, एक नीट एंड क्लीन लुक हमारा यहाँ पर बन चुका है। यहाँ पर मैं एक पिन लगाना चाहूँगी तो अंदर का जो फैब्रिक है वो भी इसमें ज़रूर हम लेंगे। सो देखिएगा बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से हमारे सेंटर प्लीट्स यहाँ पर अरेंज हो चुके हैं। नीचे से भी आप देख सकते हैं, ये वाला जो अभी पोर्शन है इसको भी हम थोड़ा सा सेट कर लेंगे अच्छे से। आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत तरीके से अरेंज हो चुके हैं।
सो बहुत ही, यहाँ पर अगर हम एक पिन लगाना चाहते हैं ऊपर की जो बॉर्डर है, तो ये अगर हमारी ज़्यादा राइट साइड की तरफ भागती है ऐसा आपको लगता है तो इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ करना है, सेंटर प्लेट्स के साथ में इसको अटैच करते हुए एक पिन लगा लेनी है। बाद में एक वेस्ट बेल्ट हम लगा लेंगे, कुछ ज्वेलरी वेयर करना चाहते हैं तो उस तरीके की ज्वेलरी वेयर कर लेंगे, और फाइनल जो लुक है आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितनी खूबसूरत तरीके से हमारी ड्रिपिंग यहाँ पर आई है, बिल्कुल भी अनइवन लुक नहीं है, फ्लफीनेस तो बिल्कुल भी नहीं है। सेंटर प्लीट्स भी आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी तरीके से हमारी अरेंज हो चुकी है। कर्व का पोर्शन भी आप देख सकते हैं, जो हमारी टमी का पोर्शन है वो भी नहीं, और पीछे से भी एक इवन लुक हमारा यहाँ पर बन चुका है। सो आई होप दोस्तों आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।